द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के बारे में जो कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्टों को क्लियर करेंगे। ये फर्स्ट से लेके सेकंड क्लास से लेके और टेंथ तक आते रहते हैं क्वेश्चन में। बच्चे इनको बहुत ऐसा फील करते हैं कि जो कितना टफ है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो अब हम फ्रैक्शन के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए बेटा, मैंने ये थोड़ा सा लिख दिया है कि हमारे पास थ्री टाइप्स की फ्रैक्शन होती हैं। पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीन फ्रैक्शन होती हैं। इसके लिए आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जैसे ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाली संख्या, हिंदी वालों को भी, दोनों बायलिंगुअल लेके चल रहा हूं मैं, ये अंश होता है, इस नीचे वाले को हर बोलते हैं। जिसका न्यूमिरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसे ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि न्यूमिरेटर लेस देन, न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, कि हमारा न्यूमिरेटर ऊपर वाली संख्या छोटी होती है किससे, डिनोमिनेटर से। अब ऊपर वाली तो न्यूमिरेटर हो गई और नीचे वाली डिनोमिनेटर हो गई, ये हमेशा एक से छोटी ही आएगी। अब कैसे, एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई हमारा अब जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने बात की है, तो ऊपर वाला छोटा होगा। हम यहाँ बोल रहे हैं इस चीज को कि जिसका ऊपर न्यूमिरेटर छोटा होता है, तो ये छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया। अब इसको हमें भाग देना हो तो वन में हम जब फोर से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, टेन हो जाएगा, टू और फाइव, ये इसका मतलब टू फाइव आ जाएगा। तो ये एक से कम है, वन से कम है, ऐसे वन बाई एट कर दिया तो इसका भी वन पॉइंट वन टू फाइव आएगा, ये भी एक से कम है। तो हमने क्या इससे कंक्लूजन निकाला है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जैसे द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन, ये हमारा कंक्लूजन निकलता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज वन से क्या आती है, कम आती है। ये आपको माइंड में रखना है। ओनली किसके लिए है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो एक से कम आती है, और हमेशा न्यूमिरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3/8 न्यूमिरेटर छोटा है, 3/9 न्यूमिरेटर छोटा है, और 1/5 इसमें सब में न्यूमिरेटर छोटा है, कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम इसमें भाग देके देखेंगे तो इनकी सब की वैल्यू क्या होगी बेटा, वन से लेस देन होगी। क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू इज ए एक्स वाई वाई बराबर वन, ऐसे देखा आपको क्वेश्चन में, बी एक्स वाई वाई लेस देन वन, सी एक्स वाई ग्रेटर देन वन, या डी में दे देगा एक्स और वाई लेस देन बराबर वन। अब इनमें से आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को इजीली समझ जाएंगे कि हमने आपकी अभी बात की है, प्रॉपर फ्रैक्शन में वन से कम आती है वैल्यू, यहां पर भी वन से कम आ रही है वैल्यू,
तो हमारी वैल्यू लेस देन एक्स और वाई, एक्स जब छोटा होगा वाई से, न्यूमिनेटर छोटा होगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो हमारी वैल्यू एक से कम आएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए अब इसको जैसे हमें एग्जाम में इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे 3/8 को आपको एक लाइन पर शो करना है तो कैसे शो करेंगे, ये सबसे बड़ा बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। तो सीधी बात है, हमें पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से और 1 तक रहती है, ये आप क्लियर मैंने आपको करा दिया है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से क्या आती है, कम आती है, तो 0 से 1 के बीच में ही ये संख्याएं आती है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे मानो अभी हम 3/8 को इस पर डिनोट करते हैं तो कैसे करेंगे, सीधी बात, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता, डिनोमिनेटर होता है, तो इसके हमें कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 पार्ट कर दिए, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7। अब आपको पता है एक भाग है कितने में से, 8 में से, ये भी कितने में से, 8 में से, ये भी 8 में, ये सब 8 के पार्ट है, पर ये 8/8 मतलब 8/8 का एक ही हो जाएगा, तो ये एक होगा, 0 से 1 का यहां तक एक पार्ट हो जाता है। अब हमें इसमें 3/8 करना है, तो 1 2 3 ये पार्ट जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया बेटा 3/8। अब आप कोई भी इसमें संख्या इसमें शो कर सकते हैं, 3/8 हो गया, 4/8 हो गया, 5/8 हो गया, 6/8 हो गया, 7/8 हो गया, ऐसे हम रख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे 3/9 ले लेते हैं, तो 3/9 के लिए हमें पार्ट टोटल कितने करने पड़ेंगे, नीचे डिनोमिनेटर वाले टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे हमने कितने पार्ट कर दिए बेटा 9, ये 0 है, या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हो गए, हमें शो कितना करना है 3 पार्ट 1 2 3। अब ये सब कितने पार्ट्स में से हैं, 9 पार्ट में से हैं, 9 पार्ट्स में से हैं, ओके ये तो आपको क्लियर हो गया। इसके साथ में आप दो चीजें क्लियर और करते जाएंगे, देखो सभी ऊपर वाली फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर से कम आ रही है, सेकंड है, सेकंड थिंग ये है कि जैसे 9/9 कितना होता है 1, और ये सारी संख्याएं 1 से क्या है छोटी है, दो बातें निकल के आई हैं इसमें से, एक तो न्यूमिनेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, सेकंड बात क्या है जो भी पार्ट होंगे वो सब ऑलवेज क्या होंगे, तो एक से लेस देन होंगे, 0 से लेस देन के बीच में होंगे, या फिर एक से छोटे होंगे सब, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो भी संख्या आएंगी 0 से वो एक से कम आएंगी, ठीक है। तो अब हम इसको कर सकते हैं, 3 पार्ट यहां पर आ गया और ये 3/9 हो गया आपका 3/9, ऐसे शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इसको मैं रेस्ट कर देता हूं, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका अपोजिट है कि जैसे 8/9 वो 8/6 7/4, इसमें क्या होगा जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होगा और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा होगा। एक बात और है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन है, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या होता है इम्प्रॉपर होता है, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन कोई भी वो क्या होगा
इम्प्रॉपर होगा। कैसे? देखो जैसे 1 by 1 by 2 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसका जब हम करेंगे इसको 2 by 2 और 1 by 3, 3 by 2 ऊपर का बड़ा हो गया नीचे का छोटा हो गया। क्वेश्चन क्या ले लो 7 6 9 ये ले लो 7 9 जा 63 69 by 9 देखो ये बड़ा हो गया। तो ये भी अब कौन सी फ्रैक्शन हो गई है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक रूल हमारा ये भी निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम बच्चों को इसमें जब हम लाइन पर इसको शो करते हैं तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सभी बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम। अब इसको इजी तरीके से कैसे समझेंगे हम, देखो जैसे ये कोई संख्या है हमारे पास, कोई भी ले लीजिए आप फ्रैक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना कैसा चाहिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 17 by ये ले लिया, अब इसको लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का इसमें डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 2 बच गया, ऐसे करके ये आपका मिक्स में चेंज करना है इसको, तभी आप शो कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को ही आप शो कर सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे नहीं कर सकते, इसको हमें मिक्स में चेंज करना पड़ेगा तब लाइन पकड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, तीन तो पूरे पार्ट है, चौथे पार्ट में हमें 2 by 5 है, तो हमें चार कॉलम बनाने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 और 4 ये फोर पार्ट बना दिए, समझ में आ रहा है? देखो जब हमने इसका भाग दिया है तो तीन बार तो पूरा पूरा चला गया, तो तीन पार्ट तो हमें यहां से करना है, ये जीरो हो गया, 1 2 और 3 तीन पार्ट तो हमें पूरे लेने, चौथा पार्ट जो है इसमें कितना शो करना है हमें बेटा, 2 by 5। तो आप मुझे बताइए जैसे इस 2 by 5 को कैसे शो करेंगे हम, पार्ट कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5 टोटल 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट कर दिए। अब हमें ऊपर कितना पार्ट लेना है हमें, 1 और 2 तो यहाँ पर हो गया, ये सब पार्ट 5 के पार्ट किए हमें, ध्यान रखना 5 पार्ट में से है, ये भी 5 में से है, ये भी 5 में से है, ये भी 5 में से है, तो हमें 2 by 5 शो करना है। तो 2 by 5 ये है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 3 by 2 by 5 ये संख्या हमने इस पर डिनोट कर दी, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एग्जांपल और जल्दी से ले लेते हैं, देखिए कोई संख्या है हमारे पास 7 by 2 ये संख्या है, 7 by 3 भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। तो 3 का जब इसको हमें अब चेंज करना है किसमें, मिक्स में, 3 2 जा 6 कितना बच गया, 1 by 3 अब हमें 2 तो पूरा पूरा लेना है, 1 2 और 3 पार्ट करने, ये 0 ये 1 ये 2 और ये 3 तो हमें 2 पार्ट तो पूरा पूरा लेना है यहाँ तक, और जो तीसरा पार्ट है उसके हमें 3 पार्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पर जो दे रखा होता है ना उतने पार्ट करते हैं टोटल हम, ठीक है, तो 1 2 और 3 अब देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कितने में से बेटा, 3 में से, ये भी 3 में से और ये भी 3 में से, 3 by 3 मतलब 1 हो गया। अब हमें शो क्या करना है, 2 तो पूरा ले लिए और 1 by 3 यहाँ पाता है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में ये जो पूरी लाइन आएगी हमारी ये आएगी 2 by 1 by 3 आंसर। तो इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। आशा करता हूँ कि आपकी ये
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, वैल्यू वन से लेस देन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी ऑलवेज जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। इसको शो लाइन में जब शो करते हैं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और जो टू पूरा पूरा जो जाता है उसको तो पूरा ले लेते हैं, और नीचे और पीछे जो बचता है तो चौथा पार्ट उसके आगे का पार्ट में से हमें इतने पार्ट करने पड़ते हैं जितना नीचे दे रखा है, 1, 2 और 3 ऐसे करके, और इसमें जो भी संख्या होती है उसको हम आसन लेके इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। तो बच्चों अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट में डाल के अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।